गार्डन एक्सप्लोर चैनल में आपका स्वागत है। अभी जो है ड्रैगन फ्रूट का पेड़ में फूटिंग का समय है और आपका भी पेड़ में अभी फूटिंग शुरू हो गया है। अभी जो है मेरा भी पेड़ में देख रहे हैं बहुत सारा जो है अभी फ्रूट हुआ है और बहुत सारा फ्लावर भी आया हुआ है। फ्रूट तो आपको दिख ही रहा है, ये देखिए फ्लावर भी छोटा छोटा जो है बहुत सारा अभी फ्लावर आया हुआ है। तो इस समय आपको जो है कैसे अपना पेड़ को ठीक रखना है, अगर आपका भी पेड़ में फ्लावर आना शुरू हो गया और फ्रूट आपका पेड़ में है तो इस समय जो है मेरे हिसाब से कोई भी फर्टिलाइजर अभी मत दीजिए। अभी कोई फर्टिलाइजर का दरकार नहीं है, अगर फर्टिलाइजर का कमी रहता तो इसमें ऐसे फ्लावर नहीं आता जैसे दिख रहा है। ऐसे अगर कोई भी फर्टिलाइजर का इसमें कमी रहता ना तो किसी कोई भी इसमें इतना फ्लावर जो है नहीं आता। अब हर डाली में देख रहे हैं फ्लावर जो है आया हुआ है। और अगर अभी भी आपका पेड़ में अगर फ्लावर नहीं आ रहा है तो एक ही फर्टिलाइजर अभी आप दे सकते हैं, वो है पोटाश। पोटाश जो है आप दे सकते हैं। पोटाश में जो है दो वैरायटी होता है, एक तो है SOP, एक तो है MOP। MOP हो गया आपका लाल पोटाश और SOP हो गया जो 0050 जिसको बोला जाता है। तो दोनों में से एक कोई भी आप दे सकते हैं। SOP ये देने से अच्छा रहता है कि वो मिट्टी को ख़राब नहीं करता है। तो अगर आपका भी पेड़ में अभी फ्लावर नहीं आ रहा है तो आप SOP या MOP दोनों में से एक ठो खाली दीजिए और दूसरा कोई भी फर्टिलाइजर आप मत दीजिए। इसमें जो है अभी कोई फर्टिलाइजर अभी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जैसे कि इसमें देख रहे हैं इसमें बहुत सारा अभी फ्लावर आ रहा है। तो जब फ्लावर आना शुरू हो गया तो अभी कोई फर्टिलाइजर हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसमें बहुत सारा फ्लावर जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो गया और बहुत सारा अभी फ्लावर है छोटा छोटा। तो देखिए ये वाला जो है फ्लावर अभी इसमें फ्रूट में जो है कन्वर्ट नहीं हुआ है। यहाँ भी एक तो है, इधर दो तो है। और ये वाला देखिए, ये वाला जो है फ्रूट लगभग रेडी हो गया। तो अगर आपका भी पेड़ में अभी तक फ्लावर नहीं आया है तो ओनली फॉर जो है पोटाश दीजिए, बाकी कोई भी फर्टिलाइजर अभी मत दीजिए। फर्टिलाइजर ज़्यादा इस्तेमाल करने से तो अच्छा नहीं है। पोटाश जो है अभी 20 दिन बाद अपना पेड़ के हिसाब से दे दीजिए। और अगर ऐसे फ्लावर आना शुरू हो गया तो अभी फ़िलहाल कोई भी फर्टिलाइजर मत दीजिए। हाँ, जब फ्लावर से फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तब जो है थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर उस समय देना पड़ेगा कि फ्रूट को थोड़ा सा साइज़ में बड़ा करने के लिए। तो आपको दिखाने के लिए ही और कुछ जानकारी देने के लिए वीडियो तो बनाए थे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।